वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पे। और देखिए, आज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर SSC के idiom एंड फ्रेज लिए हैं, आपको विद पिक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। सो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और विजिट आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज फॉर एवरी सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर देखिए कह रहा है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस अप्रोप्रिएशन का जो मतलब होता है हथियाना। मैं हिंदी में भी कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। मिस अप्रोप्रिएशन मीन्स दैट हथियाना। तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा एब्रिजमेंट। एब्रिजमेंट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। कंडीमेंट, कंडीमेंट का मतलब होता है छोंक। एम्बेजलमेंट, हमारा आंसर जो है वो सी सही हो जाता है, ऑप्शन 3। एम्बेजलमेंट मतलब हथियाना। ओके, फिर कहता है 4 नंबर में बेरेवमेंट। इसका मतलब होता है शोक या दुख। इसका मतलब होता है शोक या दुख। तो यहाँ पे हमारा आंसर C3 हो जाएगा। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी इज एम्बेजलमेंट, हथियाना। गबन, यू कैन से गबन। वन हु हैज द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच ए वे दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन या प्लेस। देखिए, ऐसा कोई आदमी, मैं हिंदी कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ऐसा कोई आदमी जिसके पास ये कला होता है कि वो दूसरे किसी की चीज़ों की आवाज़ निकाल लेता है ना, या फिर ऐसा आवाज़ निकालता है जैसे कि किसी दूसरे जगह से आ रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट, यू कैन से वेंट्रीलोक्विस्ट। देखिए, ये आदमी है, ये डोनाल्ड ट्रंप की भी आवाज़ निकाल सकता है, इसकी भी निकाल सकता है, इसकी भी निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रीलोक्विस्ट हमारा आंसर सही हो जाएगा। और ये जो एब्सोल्यूटिस्ट होता है, इसका मतलब होता है तानाशाह। ये हमारा होगा नहीं ऑप्शन, इसका मतलब होता है तानाशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन हु डाइज विदाउट ए विल। देखिए, जो बिना किसी अपनी वसीयत के तैयार किए मर जाए, जिसका कोई वसीयत तैयार बिना किए ही मर गए मान लीजिए कि, तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका इंटेस्टेट। क्या बोलेंगे? इंटेस्टेट। यहाँ पे मैंने पिक्चर ऐड कर रखा, आप समझ जाइएगा। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने एक दो ले लिया है। तो वन हु डाइज विदाउट ए विल इंटेस्टेट, बिना वसीयत का। ओके, ये एफेमिनेट। एफेमिनेट मतलब होता है स्त्री जैसा, जो कि स्त्री जैसा व्यवहार करे। हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो एफेमिनेट मतलब स्त्री जैसा होता है। फ्यूजिटिव मतलब होता है फरार, जो कि न्याय से फरार हो। ओके, हेरेटिक मतलब होता है कि धर्म विरोधी। इसका मतलब होता है धर्म विरोधी। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। हेरेटिक मतलब होता है धर्म विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉल ए स्पेड एन स्पेड। इसका मीन्स होता है टू कॉल ए स्पेड का स्पेड मीन्स होता है टू बी फ्रैंक, जो कि एकदम दोस्त जैसा हो, मिलनसार हो। देखिए, ये पर्सन की मैंने पिक्चर ऐड कर रखी है, टू बी फ्रैंक। यहाँ पे देखिए टू बी रूड असभ्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू लुक डाउन वंस नोज। इसका जो मतलब होता है, मैंने पिक्चर ऐड कर रखा है तो आप लोग कर ही लेंगे। मैं ऑप्शन से बता देता हूँ आपको कि ऑप्शन का क्या क्या मीनिंग होगा। टू शो एंगर, इसका मतलब होता है गुस्सा दिखाना। तो टू शो एंगर, उसके बाद ऑप्शन 3 कहता है कि टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब हो जाएगा टू इंसल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड एंड ग्लोव। देखिए, हैंड एंड ग्लोव का क्या मतलब होता है? हैंड एंड ग्लोव क्या होता है? बहुत सटे हुए होते हैं। तो बहुत सटे हुए होते हैं जब भी हम ग्लोव पहनते हैं, उसका मतलब होता है ओपन एनिमी। जी नहीं, ये नहीं होगा। ओपन एनिमी मतलब खुला दुश्मन, वेरी इंटीमेट। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही अंतरंग, बहुत ही क्लोज, एकदम क्लोज जो वही हैंड एंड ग्लोव है। वेरी रूड मतलब बहुत ही असभ्य। जी नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। वेरी डिफिकल्ट बहुत कठिन, ये भी नहीं होगा। ये वेरी इंटीमेट हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ लॉस। एट अ लॉस का जो मतलब होता है वो होता है, देखिए, कोई पर्सन सोया हुआ है, मैंने इसकी पिक्चर लगा रखी है। ये बिल्कुल भी असमर्थ है, मतलब अनेबल है। यू कैन से अनेबल। अनेबल का मतलब भी असमर्थ होता है, एबल का मतलब योग्य होता है या समर्थ, डिफीट मतलब हराना होता है, एक्सपेक्ट मतलब अनुमान लगाना होता है। अनेबल मतलब जो है यही हो जाएगा, एट अ लॉस मतलब अनेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए लेम एक्सक्यूज। तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, यहाँ पिक्चर में देखिए, फर्स्ट
यहाँ इसकी माँ कह रही यू आर लेट, तो बच्चा कह रहा सॉरी आई गॉट स्टक इन ए टाइम वैप, इसमें बहाना मार रहा है। तो क्या होगा इसका मतलब, क्या होगा? अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, बिना वजह का बहाना जो मारता है, असंतुष्ट बहाना, उसको हम बोल सकते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। लेम एक्सक्यूज इज वॉट? अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। या गुड एक्सप्लेनेशन का मतलब हो जाएगा अच्छा, अच्छा एक्सप्लेनेशन। यूजलेस टॉक हो जाएगा बिना मतलब की बातें। इल फीलिंग हो जाएगी, बुरा अनुभव इस टाइप से। सो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, और आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और विजिट आवर चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। ओके, फॉर एवरी सब्जेक्ट।